आपको बता दें, राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया ने जीएसटी पर एक बड़ा बयान दिया है। अढ़िया ने बयान दिया है कि जीएसटी रेट में पूरी तरह बदलाव की जरूरत है ताकि छोटे और मध्यम उद्योगों पर भार कम हो। अढ़िया का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब जीएसटी को लागू हुए 4 महीने पूरे होने वाले हैं। विपक्ष जीएसटी को लेकर सरकार पर हमलावर है। शिशिर सिन्हा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। शिशिर, हसमुख अढ़िया के इस बयान का क्या मतलब? देखिए, इस समय दो बातें हैं। पहली तो आप अगर दरें देखेंगे तो 6 दरें हैं जो कि 4.5% से शुरू होकर के 28% तक पहुंच जाती है। और दूसरी जो परेशानी है कि कई सामान ऐसे हैं जिन पर अलग अलग दरें लागू होती है। जैसे अगर आप रेस्टोरेंट सर्विसेज को देखें, जो नॉन एसी वाले हैं वो 12% हैं, एसी वाले जो हैं 18% है। कॉम्पोजिशन स्कीम में 5% आता है। जूते चप्पल की बात करें तो 500 रुपये से कम वाले के लिए अलग दर है, 500 रुपये से ज़्यादा वाले के लिए अलग दर है। कपड़े की बात करें तो 1000 रुपये से ज़्यादा। तो इस तरह की जो काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं विसंगतियाँ हैं, जिसे लेकर के सरकार ने एक फिटमेंट कमेटी बनाई थी, एक समूह बनाया था जिसको इस बारे में सलाह देना था कि कहाँ कहाँ पर किस तरह से दरों में बदलाव की ज़रूरत है। इसी के बाद वित्त मंत्रालय की ओर से ये रुख सामने आया है कि दरों में एक बड़े पैमाने पर बदलाव की जरूरत है, लेकिन इस बदलाव के पहले देखा जाएगा कि राज्य और केंद्र दोनों की आमदनी पर क्या असर पड़ा है, और सबसे बड़ी बात है कि क्या छोटे कारोबारी और आम आदमियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसी आधार पर दरों में बदलाव होगा। हम आपको बता दें कि गुवाहाटी में 10 तारीख को जो है वो जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है, और उम्मीद की जा रही है कि कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसी सेवाएं हैं जिनमें दरों में बदलाव किया जा सकता है, जिसमें से सबसे अहम है रेस्टोरेंट सर्विसेज जो है, वहां पर हो सकता है कि 12% और 18% की जगह एक ही दर लागू किया जाए। इसी तरह से कई और जो दूसरे सामान है उनमें भी दरों में बदलाव की जरूरत हो सकती है। बिल्कुल। अब यहाँ शिशिर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है जीएसटी को लेकर और जीएसटी पर सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही हैं, ऐसे में वाकई हसमुख अढ़िया का ये बयान अहम हो जाता है। शिशिर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। हसमुख अढ़िया, राजस्व सचिव, जिन्होंने साफ तौर पर बड़ा बयान दिया है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।